कैमूर के एनएच 2 पद के किनारे साई होटल पर खड़ी पशुओं से भरा एक ट्रक बृहस्पतिवार को बरामद हुआ, किंतु पशुओं से भरा एक ट्रक गाड़ी को लेकर भागने में सफल रहा। बता दें कि कैमूर जिला अंतर्गत एनएच 2 पर यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल तक पशु तस्करी का धंधा निर्वार गति से फल फूल रहा है। यह धंधा पुलिस तस्कर एवं दलालों की गहरी साठगांठ एवं तिकड़ी से चल रहा है। खास बात यह है कि इस पद से कैमूर जिले के 3 थाना मुख्यालय दुर्गावती, मोहनिया, कुदरा जुड़ा हुआ है। तीनों थाना मुख्यालय एक दूसरे से महज 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर एनएच 2 से सटा है, जहां से होकर तस्करों की गाड़ी गुजरती है। बावजूद इसके किसी व्यक्ति द्वारा तीनों थाने के सरकारी नंबर पर कॉल कर तस्करी की सूचना दी जाती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती है। इसके बावजूद सूचना द्वारा मीडिया के माध्यम से कैमूर एसपी दिलनवाज अहमद, डीएम कैमूर डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को सूचना दी गई। इस पर कुदरा पुलिस पहुंचकर कैमूर के साई होटल से पशुओं से भरी कंटेनर सहित ड्राइवर को गिरफ्तार कर थाना ला रही थी कि थाने से कुछ ही दूरी पर ही पुलिस को चकमा देकर चलती गाड़ी से कूदकर ड्राइवर भागने में सफल रहा। हालांकि इस संबंध में पूछे जाने पर कुदरा थानाध्यक्ष रणवीर कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने की बात बताई। कैमूर से अभिषेक राज की रिपोर्ट। शराब के लिए इसमें एक मारुति कार से 18 पेटी शराब के साथ एक व्यक्ति किनारे का पकड़ा गया। इसी क्रम में एक मवेशी गाड़ी भी पकड़ी गई, उसमें मिथिलेश कुमार नाम का व्यक्ति पकड़ा गया। उसके पास से 36 बछड़े लदे हुए कंटेनर में, उसको भी जब्त किया गया। अभी तक कागजात नहीं है सर। हाईवे पे ऐसे लगातार मामले सामने आ रहे हैं, तो मतलब पुलिस की तरफ से क्या इसके लिए कुछ स्पेशल लगातार आ रहे हैं? पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई भी की जा रही है, पकड़े भी जा रहे हैं और कई मामले आए, पकड़े भी गए। कल रामगढ़ में भी पकड़े गए, लगातार गिरफ्तारी और कार्रवाई भी। थाने के रास्ते से चढ़ते हुए गाय और बछड़ा लेकर रुक जाता है, इसमें कोई उसके लिए कोई अलग से फुटपाथ तो बना हुआ नहीं है।